हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। फिफ्थ चैप्टर ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स का हम एग्जांपल कर रहे थे, एंड दो तीन एग्जांपल रहते हैं इसके। पहले एग्जांपल करते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज इसको कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम्पल फिफ्थ देखिए, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी डी इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन होना चाहिए। मीन्स आपको ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करना है, कब? जब या तो ए इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा या ए इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये गिवन है तो आप ये कंडीशन प्रूव करोगे, और कंडीशन अगर गिवन है तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन देखिए, अगर फर्स्ट हमें गिवन है दीज कंडीशंस और हमें ए को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, दैट मीन्स क्या प्रूव करना पड़ेगा यहाँ से? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ से इसको करते हैं सॉल्यूशन। गिवन ए इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, या फिर ए बी बी माइनस ए। ए मैट्रिक्स हमारे दोनों में से किसी के भी इक्वल हो सकती है। ए इंटू ए डैश फाइंड आउट करते हैं हम। ए इंटू ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखते हैं, ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय इट्स ट्रांसपोज, यानी कि ए बी सी डी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन ए सी प्लस बी डी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए सी प्लस बी डी, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं, ये चीज़ आपको गिवन है और ये इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। अब अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी इक्वल कब आएगी? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन होना चाहिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन आना चाहिए। हम इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ताकि हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए और ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव हो जाए, ठीक है। अब जो चीज़ गिवन है उसको देखिए, या तो ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल होगा या ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल होगी। अब ए मैट्रिक्स क्या है? ए बी सी डी, आइदर ए बी सी डी दिस मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, और गिवन है आपके पास ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशंस गिवन है हमारे स्टेटमेंट में, ए बी बी माइनस ए। ओके, कंपेयर करते हैं यहाँ से। अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ए फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी, देन यहाँ से क्या आ सकता है? चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, आइदर इस कंडीशन से आ जाएगा यहाँ से, जो मैट्रिक्स इक्वल है सी इक्वल टू माइनस बी होगा यहाँ से, सी इक्वल टू माइनस बी, या फिर एंड बी इक्वल टू ए होना चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? ए और बी तो फर्स्ट रो तो इक्वल है, सेकंड रो का एलिमेंट देखिए सी इक्वल टू माइनस बी एंड डी इक्वल टू ए होगा, देन ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड मैट्रिक्स जो इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए बी, सी इक्वल टू बी, और सी इक्वल टू बी एंड डी इक्वल टू माइनस ए। ये ध्यान रखना है, ये हमारी कंप्लीट एक कंडीशन है, एंड दिस इज सेकेंड, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी, या तो ये इसके इक्वल होगी या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल होगी, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, सी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, सी इक्वल टू माइनस बी डी इक्वल टू ए, आइदर इस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में इन दोनों इक्वेशन को, यानी सी इक्वल टू माइनस बी एंड ए इक्वल टू डी, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ए सी प्लस बी डी के, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। c इक्वल टू माइनस बी है एंड d इक्वल टू ए दे रखा है। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
देन एसी इक्वल टू माइनस बीडी इम्प्लाइज दैट एसी प्लस बीडी इक्वल टू जीरो. एंड कंडीशन हमें गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन. एंड ये कंडीशन, दो कंडीशन थी हमारे पास. अब वैल्यू चाहिए मुझे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की. ये वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? जो सेकंड इक्वेशन है आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए इस इक्वेशन का. सी इक्वल टू बी दे रखा है एंड डी इक्वल टू माइनस है. हमने यहाँ से इक्वल कंडीशन से निकाल लिया. अब इसका एडिंग एंड स्क्वायरिंग करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा. और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या गिवन है हमें? वन गिवन है. देन वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल टू वन. नाउ इन सारी वैल्यूज का यूज़ करके हम इस मैट्रिक्स में पुट कर लेते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें वन गिवन है. ए सी प्लस बी डी हमने फाइंड आउट कर लिया कि जीरो के इक्वल है. वन जीरो, ए सी प्लस बी डी जीरो. एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया इज इक्वल टू वन, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी. नाउ ए इंटू ए डैश implies that a into a dash is equal to identity and a is orthogonal matrix. ओके okay? अब कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे. तो हमें प्रूव करना है कि a आपको orthogonal गिवन होगा. एंड आपको प्रूव करना पड़ेगा या तो a मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इक्वल आएगा या a मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इक्वल, जहाँ पे ये कंडीशन हमें गिवन होगा. नाउ कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं. अब हमें गिवन है ए इक्वल टू ए बी सी डी इज ऑर्थोगोनल. ओके एंड हमें प्रूव करना है, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी, ए इक्वल टू दिस और दिस. चलिए अगर ऑर्थोगोनल गिवन है तो हम ए ए डैश फाइंड आउट करते हैं. ए ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी होगा. ए ए डैश हमने वैल्यू पीछे सॉल्व किया था, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी हमने वैल्यू निकाली थी ए इंटू ए ट्रांसपोज की. सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, आई की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1. ठीक है, कंपेयर करते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है. इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये नंबर इस नंबर के इक्वल होगा एंड ए सी प्लस बी बी डी आएगा. ए सी प्लस बी डी इक्वल टू ज़ीरो, ये सेम है इक्वल टू ज़ीरो. एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन, खरीद हमें चाहिए नहीं. चलिए यहाँ से देखते हैं, एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन. अब हमें ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए. देखिए ए भी तो एज इट इज़ है, हमें सी और डी की वैल्यू चाहिए. यहाँ से सी और डी की वैल्यू निकाल लीजिए. ए सी इक्वल टू माइनस बी डी, यहाँ से क्या कंडीशन आ सकती है? आइदर दो नंबर की प्रोडक्ट इक्वल है, दैट मीन्स आइदर ए इक्वल टू माइनस बी एंड सी इक्वल टू डी. ठीक है, ए इक्वल टू माइनस बी और सी इक्वल टू माइनस बी एंड ए इक्वल टू डी या डी इक्वल टू ए, जो भी आ रहा है. ठीक है, साइन भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ से अगर हम देखें तो साइन इसके साथ भी ले सकते हैं, ए इक्वल टू बी और एंड सी इक्वल टू माइनस डी. एंड इससे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आइदर सी इक्वल टू दिस और साइन माइनस का इसके साथ भी जा सकता है, सी इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू माइनस डी. ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों नंबर की प्रोडक्ट ए सी इक्वल टू माइनस बी डी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आ रहा है. एंड ए सी इक्वल टू माइनस बी डी, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही नंबर आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू यूज़ करेंगे और हम कंडीशन यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. सी इक्वल टू माइनस बी आ रहा है एंड डी इक्वल टू ए. अब दो मैट्रिक्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस. ठीक है,
ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ से मैं वैल्यू पुट करती हूँ, सी इक्वल टू माइनस बी, देन मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए बी माइनस बी एंड इसके साथ कंडीशन है ए इक्वल टू डी, तो डी की जगह पुट करेंगे हम ए, या तो ए मैट्रिक्स ये बनेगी या फिर ए मैट्रिक्स ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं हम, ए बी सी की वैल्यू हम बी पुट कर सकते हैं यहाँ पे एंड डी इज़ इक्वल टू माइनस ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी इक्वल टू माइनस ए, माइनस को इधर ले जाएंगे। ओके, तो ये कंडीशन आपको प्रूव करनी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा बना चुका है, यहाँ से कंडीशन सॉल्व होगी एंड यहाँ से हमने बता दिया कि हमारी ए मैट्रिक्स या तो इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल, कब होगी, जब ए मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल गिवन थी तो हमने इसको एंड के इक्वल प्रूव किया एंड कंडीशंस फाइंड आउट। एग्जांपल 8, शो दैट इफ ए इज हार्मिशियन एंड पी इज यूनिट्री देन पी इनवर्स ए पी इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। गिवन है ए इज हार्मिशियन, दैट मीन्स ए थीटा इज इक्वल टू ए, फर्स्ट इक्वेशन। P इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स इज इट्स थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, P इंटू पी रेज टू पावर थीटा इज आइडेंटिटी, देन ये क्या आ सकती है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किया हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, इम्प्लाइज दैट P इनवर्स इक्वल टू P थीटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको इसके क्वेश्चन भी फाइंड आउट करने हैं एक्सरसाइज में, तो इसका यूज़ करना है इन्वर्स निकालने के लिए, समझ गए, तो डायरेक्ट हो जाएगा पी का इन्वर्स पी थीटा, बिकॉज हमने टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की और आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पी। ठीक है, इसको सेकंड ले लेते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी इन्वर्स ए पी इज हार्मिशियन, एंड हार्मिशियन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, पी इन्वर्स ए पी का थीटा सॉल्व करेंगे और इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, देन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री मैट्रिसेस एक ही मैट्रिक्स मानी जाएगी, तो इसका जो थीटा है वो इसी के इक्वल आ जाना चाहिए। चलिए हम लेके चलते हैं, इसका थीटा अप्लाई करते हैं, ओपन करेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा इंटू ए थीटा इंटू पी इनवर्स थीटा, देन पी थीटा के प्लेस से पुट करेंगे हम यहाँ पे, देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे पी इनवर्स चाहिए है ना, तो इस पी थीटा के प्लेस से पुट कर देते हैं पी इनवर्स फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ए थीटा के प्लेस पे आ जाएगा ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड पी इनवर्स, पी इनवर्स किसके इक्वल है, पी थीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा पी थीटा और बाहर चल रहा है थीटा। क्लियर, हमने सेकंड इक्वेशन का दो बार यूज़ किया है, फर्स्ट पी थीटा की वैल्यू पुट की पी इनवर्स, सेकंड पी इनवर्स की वैल्यू पुट किए पी थीटा, यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, देन पी इनवर्स ए पी, पी थीटा का थीटा क्या होता है, वापस पी आ जाता है, तो हमने इसका थीटा अप्लाई किया, वही मैट्रिक्स आ गई, इम्प्लाइज दैट पी इनवर्स ए पी इज हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए इज अ स्क्यू हार्मिशियन एंड ए माइनस आई इज नॉन सिंगुलर, शो दैट पी इक्वल टू ए प्लस आई इनवर्स इज यूनिटरी। ये पी की वैल्यू दे रखी है, आपको इसको यूनिटरी प्रूव करना है, गिवन है हमें ए इज हार्मिशियन, अगर ए हार्मिशियन है सॉरी स्क्यू हार्मिशियन, देन ए थीटा इक्वल टू माइनस ए के इक्वल होगा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इज ए माइनस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ए माइनस आई इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमें प्रूव करना है कि पी हमारा यूनिटरी होना चाहिए, दैट मीन्स पी इंटू शो करेंगे हम यहाँ से पी इंटू पी थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इंटू पी थीटा आइडेंटिटी प्रूव करना है हमें, तो पहले हम पी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पी थीटा यानी कि वैल्यू रखेंगे पी की, तो ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई इनवर्स और इसका थीटा सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ए माइनस आई इनवर्स
इस पे थीटा अप्लाई होगा, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस आई थीटा, देन थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हो ए प्लस आई थीटा एंड भार इनवर्स, एंड यहाँ से आ जाएगा ए प्लस आई थीटा। थीटा हम अलग अलग लिख सकते हैं यहाँ से, प्रॉपर्टी ऑफ थीटा से कंप्लीट इनवर्स एंड ए थीटा प्लस आइडेंटिटी। ए थीटा की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन माइनस ए, आइडेंटिटी का थीटा आइडेंटिटी ही होता है एंड इसका इनवर्स, और मल्टीप्लाई बाय ए थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस आइडेंटिटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ यहाँ से माइनस कॉमा ले लेती हूँ और ये माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, देन यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस का हो जाएगा और आई माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे बिकॉज यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं इनवर्स, और ये आ जाएगा ए माइनस आई। ओके, ए प्लस का हो जाएगा और आई माइनस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी पी थीटा की वैल्यू। अब हमें सॉल्व करना है पी इंटू पी थीटा, पी की वैल्यू रखिए ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई इनवर्स, एंड पी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है मल्टीप्लाई बाय ए प्लस आई इनवर्स एंड ए माइनस आई। ठीक है, ए प्लस आई एंड इट्स इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, आप इनको इकट्ठा लिख सकते हैं ए प्लस आई इनवर्स सेम मैट्रिक्स, एंड यहाँ से ए माइनस आई इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आई। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी बिकॉज यही मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रखी है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड आई इंटू आई इज आई, देन पी इंटू पी थीटा इक्वल टू आई। सेम टू सेम हम प्रूव कर सकते हैं पी थीटा इंटू पी इज ऑल्सो आइडेंटिटी। ओके, देन पी इज यूनिट्री मैट्रिक्स। करते हैं 5.1, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, इसके मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग, यानी आपके पास मैट्रिसेस गिवन है आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस एंड फाइंड देयर इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए मैट्रिक्स है, इन न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लेना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको इसको प्रूव करना है, तो हम कैसे करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन प्रूव करनी होती है। ठीक है, कहते हैं इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। अब हर एक जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या यूनिटरी मैट्रिक्स है इस पे आपको सेम रिजल्ट अप्लाई करना है कि हमने दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की और हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे जो एडजॉइंट है या कोफैक्टर्स के हेल्प से जो हम फाइंड आउट करते हैं इनवर्स, वो नहीं फाइंड आउट करना, डायरेक्ट हम लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज बिकॉज मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर मैट्रिक्स इज प्रॉपर ऑर्थोगोनल और इमप्रॉपर ऑर्थोगोनल। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव करते हो, प्रॉपर के लिए हमारे पास होता है कि अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू वन आ जाता है देन मैट्रिक्स हमारी प्रॉपर होती है। ओके, और ऑर्थोगोनल के लिए क्या प्रूव करते हो, अभी बताया हमने ए इंटू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल अगर पूछ लिया जाता है तो आप दो कंडीशन प्रूव करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन एंड ए इंटू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी। और इम्प्रॉपर के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस वन प्रूव करते हैं, और सेकेंड कंडीशन इसके साथ ऑर्थोगोनल की प्रूव करते हैं ए इंटू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड इज वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ए एंड बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इजी सा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपके पास, दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो हम इसका रिजल्ट यूज करेंगे ए इंटू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी इंटू बी डैश ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। आपको बताना है कि क्या हम इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये भी हमारा क्या आना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। दैट मीन्स इसकी ए बी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस अगर मैं इसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आपको ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, ट्रांसपोज ओपन करिए और इन दोनों रिजल्ट्स का यूज़ करके, ये शायद मैं करवा भी चुकी हूँ आपको थ्योरम्स में,
क्वेश्चन फिफ्थ इज शो दैट मैट्रिसेस आर यूनिटरी. मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, तीन चार एग्जांपल्स हैं इसके. यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए. सेम टू सेम फर्स्ट वाले की तरह ही यूनिटरी की कंडीशन क्या होती है, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट ए थीटा इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. तो वी कैन राइट दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए थीटा. तो आपको यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए ए थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा. और ए थीटा किसके इक्वल होता है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए. क्वेश्चन सिक्स इज इफ ए इज अ यूनिटरी एंड हार्मिशियन मैट्रिक्स. ए आपको यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है हार्मिशियन, देन शो दैट ए इज इनवोल्यूटरी. इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी. अगर ये कंडीशन होल्ड करता है देन वी कैन सी दैट ए इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स. गिवन है आपके पास ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए इज हार्मिशियन देन ए थीटा इक्वल टू ए. सेकेंड क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी कंडीशन हमें प्रूव करनी है. देन सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू उठाइए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए है, ये वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. इक्वल टू आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी देन ए इज इन वॉल्यूट्री. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू बी सी एंड सी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है एंड सी इज ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स सी इंटू सी डैश इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है. देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी डैश ए सी एंड सी डैश बी सी इज कॉम्पिटेटिव. मीन्स हमें प्रूव करना है यहाँ से C डैश ए सी मल्टीप्लाई सी डैश बी सी इक्वल टू आना चाहिए. कम्यूट करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ से अगर मैं इसको इधर लिख देती हूँ बी सी इक्वल टू सी डैश ए सी. ओके कम्यूटेटिविटी क्या होती है, अगर दो मैट्रिक्स गिवन है ए बी देन ए बी इक्वल टू बी ए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई कम्यूट करती हैं. ओके तो ये आपको प्रूव करना है. पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल शो कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड. ये क्वेश्चन हम थर्ड ले लेते हैं. ओके बी ए है भाई, सी नहीं है यहाँ पे, बी ए देन हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं. बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, देन सी डैश ए बी इंटू सी आ जाएगा. इक्वेशन फोर्थ, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन देखिए, दोनों राइट हैंड साइड पर हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है. इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देन जो हमें प्रूव करना था कि सी डैश ए सी एंड सी डैश बी सी इज कमिटेड. ए इज अ सिमेट्रिक एंड पी इज ऑर्थोगोनल देन पी इनवर्स ए पी इज सिमेट्रिक प्रूव करना है. ए हमारे पास सिमेट्रिक गिवन है देन ए डैश इक्वल टू ए एंड पी इज ऑर्थोगोनल पी इंटू पी डैश इक्वल टू आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट पी इनवर्स इक्वल टू P transpose. सेकेंड इक्वेशन हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, देन वी कैन प्रूव दैट P इनवर्स ए पी डैश इक्वल टू इसी की इक्वल आ जाएगा. तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, A डैश इक्वल टू A मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है, हमारा सिमेट्रिक होती है. अप्लाई कीजिए, ट्रांसपोज ओपन करते हैं, P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड P इनवर्स ट्रांसपोज. P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के इक्वल एंड P इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं P डैश और एक डैश हमारा बाहर चल रहा है. ओके यहाँ पे मुझे इनवर्स चाहिए तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ P ट्रांसपोज की. P इनवर्स यहाँ से आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ P डैश को P इनवर्स में, P इनवर्स A और P डैश का डैश क्या हो जाता है वापस P मैट्रिक्स. देन यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड हमने रिजल्ट अप्लाई किया A डैश डैश इक्वल टू A. ओके
देन हम लेके चले थे पी इनवर्स ए पी ट्रांसपोज और शो कर दिया हमने इसी मैट्रिक्स के इक्वल इम्प्लाइज दैट पी इनवर्स ए पी इज सिमेट्रिक। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ ए इज अ यूनिट्री देन जो गिवन है फटाफट लिख लीजिए ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। फर्स्ट इक्वेशन एंड बी इक्वल टू ए पी गिवन है वेयर पी इज नॉट सिंगुलर इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ पी नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट पी नॉट इक्वल टू जीरो देन पी इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। सेकेंड इक्वेशन, आपको प्रूव करना है कि पी बी इनवर्स ये हमें शो करना है पी इंटू बी इनवर्स इज यूनिट्री दैट मीन्स पी इंटू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, ये चीज़ आपको शो करनी है। देन स्टेटमेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं यहाँ से और इसको सॉल्व कीजिए पी इंटू बी इनवर्स पी इंटू बी इनवर्स थीटा पी इंटू बी इनवर्स। सबसे पहले हम थीटा सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है थीटा एंड पी थीटा। अब हमारे पास ये रिजल्ट है, अब यहाँ से ए यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है, हाँ ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है ए पी। ओके, तो क्योंकि हम यहाँ से बी का तो कोई रिजल्ट यूज़ कर नहीं सकते तो हम बी को चेंज कर लेंगे यहाँ से इक्वल टू ए पी मैट्रिक्स में। P इंटू बी की वैल्यू रख दी हमने A इंटू पी और क्योंकि B का इनवर्स है देन A इंटू पी इनवर्स इंटू A इंटू पी इनवर्स और बाहर चल रहा है थीटा इंटू पी थीटा इम्प्लाइज दैट P इंटू अगर हम इनवर्स ओपन करते हैं तो पहले P का इनवर्स आएगा देन A का इनवर्स आएगा। समझ गए, हमने A इंटू पी का इनवर्स यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे ओपन करेंगे देन पी इनवर्स ए इनवर्स एंड थीटा और मल्टीप्लाई बाय पी थीटा। एक रिजल्ट और रहता है ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको देखिए कहाँ यूज़ करेंगे पी इंटू पी इनवर्स क्योंकि पी हमारा नॉन सिंगुलर है देन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ पी यानी पी इनवर्स इज एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से इस आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स एंड यहाँ से ओपन कर दीजिए ए इनवर्स थीटा इंटू पी इनवर्स थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय पी थीटा। ए इंटू ए इनवर्स सॉरी आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ से ए इनवर्स थीटा इसको इंटरचेंज कर लीजिए इस ऑपरेशन को, हमने इसको लिख दिया ए थीटा का इनवर्स, ए इनवर्स थीटा को हम लिख सकते हैं ए थीटा इनवर्स, इनवर्स को बाहर ले सकते हैं एंड सेम टू सेम तरीके से यहाँ पे करेंगे पी यहाँ पे थीटा की प्रॉपर्टी लगा लीजिए ए इंटू बी थीटा। अगर मैं इसको ओपन करती तो मैं लिखूँगी यहाँ से बी थीटा इंटू ए थीटा, समझ गए। तो अगर मेरे पास b थीटा इंटू ए थीटा है तो इसको मैं कन्वर्ट करके a इंटू बी का थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ से देखिए दिस इज एंड दिस p इनवर्स थीटा इंटू पी थीटा देन मैं इसको लिख सकती हूँ p इंटू पी इनवर्स का थीटा बिकॉज अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो p इनवर्स थीटा पहले आएगा एंड p थीटा बाद में जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ से इनवर्स आप इकट्ठा करिए, जैसे हमने ये थीटा लिया इकट्ठा, यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ ए थीटा इंटू ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ये रिजल्ट लगाया, अगर आप ए बी का इनवर्स ओपन करते हैं तो बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते हैं, है ना। तो बी इनवर्स ए इनवर्स के प्लेस पे ए बी इनवर्स लिख दिया हमने, ए इनवर्स ए थीटा इनवर्स, तो ए थीटा पहले आ गया ए बाद में आ जाएगा एंड पी इंटू पी इनवर्स क्या है आइडेंटिटी, इसका थीटा हो जाएगा। इधर कर रही हूँ ए इंटू ए थीटा इंटू ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आइडेंटिटी आई इनवर्स इंटू आई थीटा, यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने ये चेंज किया है ए थीटा इंटू ए के प्लेस में आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट आई इनवर्स इज आई एंड आई थीटा इज ऑल्सो आई इक्वल टू आई।
देन हम लेके चले थे पी वी इनवर्स इंटू इट्स थीटा और इक्वल टू आ गया हमारे पास आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट पी वी इनवर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स. टू दैट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए यानी कि इसमें एक ही एलिमेंट है वन रो एंड वन कॉलम ऑफ ऑर्डर वन. इसलिए इसने बोला कि इसका ऑर्डर वन है एक ही रो एक ही कॉलम है. इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ अगर ये कंडीशन होल्ड करती है ए इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाता है. चलिए हमें प्रूव करना है कि अगर ए मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखी है देन ये कंडीशन होल्ड करेगा ए इक्वल टू ए. ये हमें मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल. मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी इफ़ एंड ऑनली इफ. दोनों कंडीशन साथ साथ प्रूव करेंगे हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये गिवन है ये प्रूव करेंगे ठीक है साथ साथ प्रूव हो जाएंगी. ए ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ कब होगा ए इंटू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी. यहाँ से हम लिख देंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट बॉथ साइड डिटर्मिनेंट बॉथ साइड्स ओके. इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकते हैं ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी देन ए डिटर्मिनेंट ए का और ए डैश का इक्वल होता है ए इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वन होता है यहाँ पे हम वन लिख देंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन एंड ए की वैल्यू रख दीजिए ए मैट्रिक्स है ए की एलिमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन इफ एंड ओनली इफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन प्लस माइनस वन. तो इफ एंड ओनली इफ हम सिर्फ दोनों कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन इलेवंथ इज इफ ए इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन शो दैट इट इज नॉन सिंगुलर एंड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस वन. देन नॉन सिंगुलर क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो. ए यूनिटी मैट्रिक्स गिवन है देन सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी फर्स्ट इक्वेशन. हमें शो करना है कि ये नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स हमें डिटर्मिनेंट तक जाना है. अब स्टेप देखिए इसके आपको ध्यान कैसे रखना है कि हमें नॉन सिंगुलर चाहिए देन मुझे प्रूव करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो. देन हम यहाँ से क्या ले सकते हैं डिटर्मिनेंट बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दीजिए ए इंटू ए थीटा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई. सेपरेट करते हैं ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट वन होता है ठीक है. नाउ यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम अगर a इंटू ए थीटा आइडेंटिटी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a का इनवर्स आ जाएगा a थीटा और इसका रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं a इंटू a इनवर्स इक्वल टू वन. a थीटा को ओपन कर लीजिए a डैश का कंजुगेट और बाहर चल रहा है डिटर्मिनेंट इक्वल टू वन. इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए कंजुगेट एंड इसका ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू होता है ए कंजुगेट ए ट्रांसपोज का कंजुगेट ठीक है इक्वल टू वन. नाउ डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स ए का इक्वल होता है देन हमने लिख दिया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इट्स कंजुगेट इक्वल टू वन एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कंप्लीट का कंजुगेट मैट्रिक्स ए का इक्वल टू वन क्योंकि ये रिजल्ट होता है कि ए कंजुगेट लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कंजुगेट ओके. देन ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. नाउ अगर हमारे पास ए नंबर इंटू इट्स कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं और वन आता है दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज वन. वही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इट्स कंजुगेट इक्वल टू वन आ रहा है देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज वन. अब हमें प्रूव करना है
कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम निकाल चुके हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए थीटा के इक्वल, इम्प्लाइज दैट इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स, और इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब हमारा ए नॉन सिंगुलर होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो नॉन सिंगुलर की कंडीशन हम इससे शो करेंगे एंड एब्सोल्यूट वैल्यू हम इस तरीके से। 13th इज प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो यूनिटी आएगा। लेट ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है कि इसका इनवर्स यूनिटरी होगा। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स ये बना तो ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स आई इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए थीटा इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका इनवर्स आई ही होता है। देन ए इनवर्स थीटा, थीटा को हम बाहर लिख सकते हैं, इनवर्स को यहाँ पर ले सकते हैं इक्वल टू आई। अब यहाँ पे देखिए ए इनवर्स और ए इनवर्स के थीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी ये सेम मैट्रिक्स हो गई और इसके थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज यूनिटरी। और हमें प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो यूनिटी होगा, यानी डिटर्मिनेंट इसका वन होना चाहिए। देन ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमें गिवन है क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे बोथ साइड, ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई, ए थीटा इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट वन होता है। नाउ ए थीटा ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू वन। नाउ ए कंजुगेट एंड ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू वन, क्योंकि ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से अभी हमने जो रिजल्ट किया था, हम ए का डिटर्मिनेंट पूरे का लिख सकते हैं इंटू डिटर्मिनेंट इक्वल टू वन। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैज एब्सोल्यूट वैल्यू वन, या फिर आप ये कह सकते हो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू वन आएगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज आपके 5.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।